देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शौर्य बेटा, यू ट्रस्ट मी राइट? अगर डैड को ये लगता है कि मैं यहां से बाहर निकलने के लिए उनके सामने बैक करूंगा, और अगर उनको ये लगता है कि वो यहां से मुझे बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं बड़े पापा को फोन करूंगा, वो मुझे यूं बाहर निकालेंगे। छोरे तुम टेंस्ड क्यों? मैं हूं ना, डोंट वरी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे डैड यहाँ आकर मीडिया की बात सुनकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने से मना कर देंगे। आई मीन हू न्यू? मैंने तो सोचा था कि वो यहाँ आएंगे तो मैं यूं बाहर निकाल लेंगे, तभी तो मैं उन्हें यहाँ साथ लाई थी मेरे। उन्हें? उन्हें कौन? कौन है वो? Who is he? दी करण लूथरा, बस। उनके सीने में दिल भी नहीं है, पत्थर है पत्थर। बैड डैड। अरे मॉम, मैं तो कहता हूं आप उनके बगैर ही ना बहुत कुछ कर सकती हो। इनफैक्ट आप इस सिचुएशन में उनके बगैर ही सब कुछ हैंडल कर सकती हो। वो किस? द राखी लूथरा, मेरी ग्रैंड मां। बस आपको उनके पास जाना है और उन्हें ये बोलना है कि शौर्य बहुत रो रहा था, शौर्य बहुत अपसेट था, शौर्य को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्ला 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 ब्ला। वो बहुत बोरिंग है, इस सिचुएशन में वो मेरा ट्रंप कार्ड है, क्योंकि डैड सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। अगर आप उनके सामने ये सब बोलोगी तो उनकी बात सुन के डैड को मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। वेल बेटा, उस घर में ना सब अपने अपने रिश्ते निभा रहे हैं, तुम्हारी केयर किसी को नहीं है। आई एम तो शॉक्ड कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने से मना कर दिया। पर वेल, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मॉम। मैं तुम्हें निकालूंगी यहाँ से, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े ना मैं कर जाऊंगी। यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स। एक तुम ही तो हो जो मुझे ट्रस्ट करते हो, तुम ही तो हो जिसको मुझ पर फेथ है, वरना उस घर में तो किसी को ट्रस्ट और फेथ का मतलब ही नहीं पता। तुम पर अगर कोई विश्वास करता है तो सिर्फ मैं। बेटा, वी आर अ टीम। यस मॉम। हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, एंड डोंट यू वरी, मैं निकालूंगी तुम्हें यहाँ से बाहर। बस आज की रात, आज की रात मैनेज कर लो यहाँ पर, कल सुबह मैं यहाँ से तुम्हें निकाल के रहूंगी। ये ठीक है बेटा? सोन मामा। खुश रहो। आप? थैंक यू सर। तुम्हारा फोन। वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जावा मैं वारी जामा, वारी जामा जावा मैं वारी जावा। मौसी का अंदर है, स्टेटमेंट पर साइन करिए, जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं मासी को लेकर आता। अच्छा।
लड़का बहुत अच्छा है पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है इनसे मिलो जिस बस को तुमने ठोका था ना उस बस में ये भी बैठी हुई थी इनकी जान भी जा सकती थी ये उस लड़के की मासी है जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई थी क्या नाम है उस लड़के का राजवीर व्हाट आप उस सरफरे की मासी हो शांत शांत ऐसे बात नहीं करते बहुत समझदार है राजवीर तुम्हारी तरह और इतना गुस्सा मत करो गुस्सा करना खुद के लिए ही बहुत बेकार होता है प्लीज हाँ आप मुझे मत बताइए कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं आपकी वजह से आपके उस सो कॉल्ड नेफ्यू ने मुझ पर केस फाइल किया है केस इनकी वजह से नहीं हुआ है तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है गुनाह किया है तुमने अजीब लड़का है यार एक मिनट आप जरा दो मिनट दीजिए ना मैं इनसे बात कर लूं मैं आती हूं हां ओके मैडम देखो मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें समझा सकती हूं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहे हैं एक्सीडेंट तो वाकई बहुत खतरनाक था ना अगर किसी को कुछ हो जाता तो बस मदर इंडिया बस आप मुझे इस वक्त ये ज्ञान ना ही दो तो बेहतर होगा जिसे देखो शोरूम खोले बैठा है इधर ज्ञान का 100% फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है अभी अभी मेरे डैड ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान का लेक्चर दिया है सो प्लीज आप तो मुझे ना ही दें तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहे थे और मैं तुम्हें क्यों समझाना चाहती हूं क्योंकि हमने जिंदगी तुमसे ज्यादा जी है ना तो हम बस तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये जो कूल एटीट्यूड होता है ना ये गलती करके फिर उससे भागने में नहीं होता है ये गलती करी है तो उसे एक्सेप्ट करने में होता है फिर उससे कुछ सीखने में होता है और माफी मांगने में होता है पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो बस तुम्हारी आदतें बुरी हैं अगर तुम ये बुरी आदतें छोड़ दो ना बुरी आदतें बुरी बातें बुरी संगत तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो बहुत समझदार हो तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो लेकिन इस तरह से नहीं एक अच्छे तरीके से क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर एक्सीडेंट में वाकई ही सब लोगों को कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता क्या तुम अपने आप को इतने बड़े एक्सीडेंट के लिए माफ कर पाते और तुम्हें कुछ हो जाता तो अरे जितना रिस्की ये हमारे लिए था उतना तुम्हारे लिए भी तो था तो भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी है इसे संभाल के रखो ना ये ड्रिंकिंग एंड ऑल यू नो इट्स नॉट गुड फॉर यू तुम जवान हो तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है अपने करियर पे ध्यान दो सोचा नहीं तुमने कभी कि तुम अच्छे काम करोगे
तो तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे? तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा पूरा परिवार है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते होंगे ना? तुम्हारा नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपने कल को तो सुधार लो। जो हो गया सो हो गया, अब इससे सीख के अपना कल सुधार सकते हो ना तुम। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? बाकी सब ने मुझे डांटा है, आपने नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपकी जान ली है। बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में तो डाली तुमने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये करना नहीं चाहते थे। ये तुमसे गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है, सही रास्ते से भटक गए इसलिए हुआ है। और गलती की तो माफी होती है, अगर गलती की माफी मांगोगे और उससे कुछ अच्छा सीखोगे तो सब ठीक भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जिंदगी में गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि उस गलती को हम गुनाह की निशानी बनाना चाहते हैं या उस गलती से कुछ अच्छा सीखकर जिंदगी भर की एक अच्छी कहानी बनाना चाहते हैं। मासी, अब मैं जाती हूँ। आई होप मेरी बातें तुम्हें समझ में आई हूँ। एंड अपना ख्याल रखो। मासी, भगवान करे तुम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। मासी, आप क्या बात कर रहे थे उससे? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चलिए। मासी, सुन मेरी एक बात। क्या हुआ? वो मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लेंट हम वापस ले ले। मासी क्या बोल रहे हो आप? आप प्लीज ऐसा मत करना। आई नो राजवीर, वो देख उसने गलत तो किया है, लेकिन अब देखा जाए तो एक्सीडेंट हुआ, पर भगवान की दुआ से हम लोग सब ठीक है। जिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी उनको हमने ट्रीटमेंट भी दिया। जब सब ठीक हो गया है तो हमें किसी की बददुआ लेने की क्या जरूरत है? वो बेसिकली बात यह है कि वो अभी तो यंग है ना, तेरे जैसा है, मेरा मतलब तेरी जितनी उम्र का है, तो उसको भी एक मौका दे देते हैं। तो अभी हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, एक वार्निंग देकर छोड़ देते, आखिर बच्चा ही है ना। हंसी बच्चा है, मगर आपका बच्चा आपका नहीं, बच्चा है, नहीं है वो। ये ऐसा बदतमीज लड़का आपका बच्चा नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा है या क्या, बट किसी का तो बच्चा है ना। और कई बार इस उम्र में लोग सही राह से भटक जाते हैं, चाहे उसकी जो भी वजह हो, तो हमें उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। अगर इस उम्र में उस पर क्रिमिनल होने का स्टैंप लग गया तो उसकी आगे की लाइफ कैसी होगी? इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम कंप्लेन नहीं करते हैं। अपनी गलती के लिए वार्निंग उसे मिल गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद सुधर जाएगा। हंसी ये गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, सजा होती है। अगर उसे सजा नहीं देंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि उसने कोई गलती की है।
शायद उसकी परवरिश ही सही तरीके से नहीं हुई है, इसलिए उसे जिंदगी की वैल्यू नहीं पता है। और मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली की भी सही तरीके से सुनता नहीं होगा, वो समझता नहीं होगा उनकी बात, इसलिए आज वो ऐसा है। तो किसी को तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा ना। आई डोंट थिंक कंप्लेन वापस लेने से कोई फायदा होगा भी। आपने सुना नहीं इंस्पेक्टर सर ने क्या कहा? उसने पुलिस वालों पर भी हाथ उठाया। तो अगर हमने कंप्लेन वापस ले भी ली तो पुलिस उसे जाने नहीं देगी। मुझे नहीं लगता वो जेल से इतनी जल्दी बाहर निकल पाएगा। पल्कि, तुम मासी को लेकर घर जाओ, मेरा कुछ सामान अंदर छूट गया तो मैं लेकर आता हूँ। Stop shouting, okay? तुम जैसे लोग अपने मोहल्ले में चीखते चिल्लाते होंगे क्योंकि एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे ना। इन शॉर्ट, एक छोटे से गांव में पूरा शहर बसता होगा। हमारे यहां चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने गले को पेन मत दे। जो भी बोलना है कूल होके, काम होके, तमीज से बोल। बोल तू रहा है, पता नहीं क्या कहकर मेरी भोली भाली मासी को अपनी बातों में फंसा लिया तूने। देख, उनकी अच्छाई का फायदा मत उठा। मेरी मासी बहुत इमोशनल है और उनके इमोशंस के साथ मत खेल तू। वो हर किसी को खुश देखना चाहती है, हर किसी की भलाई चाहती है, क्योंकि वो खुद एक अच्छी इंसान है। पता नहीं तूने उन्हें क्या कह दिया कि वो तेरी फिक्र। आई मीन, आई एम श्योर तूने अपनी बातों से उन्हें मैनिपुलेट किया होगा, इसलिए यहां से आने के बाद वो मुझे कह रही थी कि उन्हें ये केस वापस लेना है। देख, मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये होने नहीं दूंगा। इसलिए जाते जाते मैं तुझे वॉर्न करने आया हूं कि मेरी मासी से दूर रहना, उनके आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है, और उन्हें इमोशनल मैनिपुलेट करने के बारे में सोचना भी मत, और मैं करने भी नहीं दूंगा। और फिर भी अगर तूने किया तो आई लूज माई माइंड, और मेरा गुस्सा तो तूने देख ही लिया है। सो मुझे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क माई वर्ड्स। हे डूड, ये साइको इतनी हीरोगिरी क्यों कर रहा है? अपने आप को हीरो समझ रहा है। जो भी अपने आप को हीरो समझता हो, फिर चाहे वो राजवीर हो या मेरा बाप करण लूथरा, दी करण लूथरा, अब वक्त आ गया है उन्हें दिखाने का। अब विलन्स ही हीरोज हैं, ये कलयुग है, और कलयुग के इस विलन को हीरो से नफरत है। आई हेट हीरोज। जैसे मैंने बताया, आप इनको दवाइयां देते रहिए, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मिसेस लूथरा, आप अपना ख्याल रखिए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज ख्याल रखिए। अरे डॉक्टर अविनाश, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ दादू? आप वही रेगुलर प्रॉब्लम, ये अपना ख्याल ही नहीं रखती है। एनीवे, अभी जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज इनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। कम ऑन रिशभ, इस घर को मैं अब अच्छे से जानता हूँ, आज से थोड़ी आ रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तुम प्लीज दादी का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू दादू। आप मुझे एक बात बताओ, क्या चाहिए आपको? अब ये देखो, आपको चोट लग गई, ये इसका कौन जिम्मेदार है? हर दूसरे दिन आपको चोट लगवा कर बैठ जाते हो। अगर आपको मालूम है कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आप किसी को बोल दो, मुझे बोल दो, अगर कोई और नहीं है तो। आप देखो क्यों ख्याल नहीं रखते हो अपना। मैं अपना ख्याल कैसे रखूं पुत्र, ऐसी खबर सुन ली कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया, होश उड़ गए मेरे, पैर स्लिप हो गया और गिर गई मैं। कौन सी खबर? वो शौर्य अरेस्ट हो गया। व्हाट? कैसे? क्या क्या हुआ? क्या करण कहाँ है? करण पुलिस स्टेशन गया है, शौर्य को छुड़ाने, और साथ में निधि भी गई है।
लेकिन हुआ क्या, कुछ बताएगा कोई? पता नहीं, मैं एक मिनट देख के आता हूँ। आप लोग चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं देख के आता हूँ। सर उसको जा। ऋषभ, ऋषभ। माता रानी, फिर शौर्य को घर जल्दी लिया, मेहर कर उस पर, दया कर। अरे ये राजवीर कहाँ रह गया? तू रुक, मैं देखकर आती हूँ। आ जाएगा राजवीर, आते ही होगा, अंदर था ना। लो आ गया। राजवीर क्या हुआ, इतनी देर कैसे लग गई? कुछ नहीं मासी, वो कुछ पेपर्स पर साइन करना था। तो कुछ छिपा रहा है तू मुझसे? क्या हुआ अंदर? मैं वो अंदर गया था उस लड़के से मिलने। फिर क्या तुझे भी लगता है कि हमें कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए? अरे मैं उससे मिली ना, मैं कह सकती हूँ कि वो, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो इतना बुरा लड़का नहीं है। उससे गलती हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मन का बुरा नहीं है। बाकी हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं ना, अगर किसी और ने की तो की। नहीं मासी, नहीं, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं, प्लीज। एक्चुअली वो टैक्सी वेटिंग पर है, हम चले? चलिए मासी। Thank you.